पन्ना के जनकपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ हंगामे में पथराव, कोतवाली में अरुण अग्रवाल और परिवार ने दिया शिकायती आवेदन। खबरों के प्रायोजक है समा एंटरप्राइजेज। समा एंटरप्राइजेज में पाएं सभी कंपनियों के एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन किफायती दामों पर व 0% डाउन पेमेंट फाइनेंस सुविधा के साथ। पन्ना नगर के वार्ड नंबर 28 में पन्ना पहाड़ी घेरा मुख्य मार्ग जनकपुर में स्थित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ और अतिक्रमण करने वाले ने जाम भी लगा दिया और घंटों यातायात भी प्रभावित रहा। साथ ही आज फरियादी अरुण अग्रवाल ने पन्ना कोतवाली पहुंचकर परिवार सहित शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया कि सन 2000 से केस चल रहा है, जमीन हमारी है, 2014 में केस भी जीत चुके हैं और अतिक्रमणकारियों को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जेल भेजने की भी कार्रवाई हो चुकी है। खाली कराने के अतिक्रमण मुक्त करने की शर्त पर राजीनामा हुआ और जेल से बाहर आए, पर इसके बाद भी खाली नहीं किया गया। कोर्ट में पुनः अपील के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। वही कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी की, जिससे जान का खतरा रहा, इसलिए कोतवाली में आज परिवार सहित शिकायत दर्ज कराई है। वही मौके पर मौजूद जमीन हमारे परिवार की है, जबरन कई वर्षों से कब्जा है। वहीं बताया कि जो अतिक्रमणकारी हैं सबके प्रधानमंत्री आवास भी अन्य जगह पर बने हुए हैं, परंतु कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं और धमकी देने के साथ पत्थरबाजी की, जान बचाकर पुलिस की मदद से वहां से बाहर निकले हैं। हम पुलिस थाने आए हैं क्योंकि कल जो अतिक्रमण हटाया गया था वो हमारे घर में कब्जा था, तो पूरा प्रशासनिक तौर पर हटाया गया है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने पत्थरबाजी की, हम लोगों को मारने की धमकी दी, इसलिए उसकी रिपोर्ट करने आज क्या हमारी जमीन रही है। और 2014 में हम लोग केस जीत चुके थे कि वो, और उन लोगों ने बोला भी था कि हम कब्जा हटा देंगे, लेकिन उनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया, इसलिए हम लोगों ने उस केस को दोबारा पुनः शुरुआत से शुरू किया। उसके बाद हम लोग को जेल भी हुई, वो लोग जेल भी गए, उसके बाद भी उन्होंने बोला हम हटा देंगे, लेकिन वो नहीं हटाए, इसलिए हम लोगों ने फिर से ये केस किया। और ये पूरी कानूनी प्रक्रिया में हुआ, कोई मतलब किसी का व्यक्तिगत नहीं था, ये पूरा कानूनी प्रक्रिया हुआ। लगभग 20 साल से हम केस लड़ रहे हैं, 2001 या 2002 केस चल रहा है, स्टेप बाई स्टेप गया है। अनुभागीय अधिकारी का कोर्ट का ऑर्डर था, उसके परिपालन में तहसीलदार साहब गए थे, उसमें पूरा प्रशासन भी था। एक वीडियो चल रहा है लाठी चलाने का, क्या है वो? अरे भैया, वो लाठी मेरी बस महिला के द्वारा की गई, मैंने उसको पकड़ा है ऐसे कि मेरे को लग नहीं जाए। अगर आप पुलिस के द्वारा जो वीडियो बनाया गया उसको देखेंगे तो पूरी हकीकत उसमें सामने आई थी। अभी कल हमारे घर पे पत्थर फेंका गया, हमारे वहाँ पे एक आटा की मिल है, वहाँ भी पत्थर फेंके गए, खूब बहुत गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। वहाँ कल से तो हम लोग वहाँ रह भी नहीं रहे, हम लोग तो पन्ना हमारा घर है वहाँ पे रह रहे हैं, और हम प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगने आए कि जाके हम वहाँ पे रह सकें, हमारे जान मान का कोई खतरा ना हो।